मुमरे संबलपुर वासी को निवेदन करुच्ची जे मुसंता काली नोमिनेसन भरवापी माँ समलेश्वरी आशीर्वाद नहीं कि जीवी समस्ते मत आशीर्वाद करूँ संबलपुर गरीब दुखी महिला जुवक आदिवासी दलित वंचित वर्ग लोक मान आशीर्वाद माँ का मध्यम मोर उपर रहु यहीटा ही मोर आपण मान मध्यम प्रार्थना रहिबो। बंधुगण निर्वाचन प्रचार धीरे धीरे गोटे रूप नवा आरंभ कला गोटे आकार नवा आरंभ कला जिते भारतीय जनता पार्टी तरफ आम कहूँ विकास को आहरी त्वरान्वित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे कहले गोटे इंटरव्यू रे कहले जे ओडिशा रे अपार संभावना अच्छी ओडिशा रे गोटे भल सरकार हेले ओडिशा देशर एक नंबर राज्य हबो तेणु ओडिशा रे थरे आमको सेवा करिवार सुजोग दिया जाऊ। नरेंद्र मोदी गणतंत्र को सम्मान देकी ओडिया लोकन को निवेदन करले आउ गोटे प्रसंग उठेले जे ओडिशा रो अस्मिता ओडिशा रो भाषा संस्कृति साहित्य सभ्यता आज गोटे समस्या भितर अच्छी दुई चारि जन ओडिशा बाहर लोक ओडिया लोकंकर कर खजनारे दरमा पाइकी ओडिशा रो गणतांत्रिक प्रक्रिया को कंठरोध करिकी पछ कबाट खोली पशि जीवा पई चाहुचंदे तेणु ओडिया लोक सब ओडिया लोक मानक मन भितर ये गोटे प्रश्न आसुची जे 4.5 कोटी ओडियां भितर गोटे आंचलिक दल को नेतृत्व नवापाई आउ केही मिलिले नै निर्वाचन प्रचार रो प्रधान मुख्य मुख्यमंत्री पर आउ केही स्टार प्रचारक हेले नै जे भड़ार आणीमा पड़ा उधार आणीमा पड़ा यहीटा कौन तक राजनैतिक दल एजेंडा कि आंचलिक दल एजेंडा कि तेनालीर अस्मिता आज प्रश्न चिन्ह अच्छी प्रधानमंत्री कहले औषध विकल रे ताटिया कामुड़ा भलिया ये गुमास्ता नेता प्रधानमंत्री को भी टाही टापरा कर पछौ ना कौन जे डबल इंजिन रोटे इंजिन फेल होम इंजिन भारी चलुच सांबादिक मान भी किम करवा दरकार नहीं सांबादिक मान भी किम ओडिशा आपड़िया सांबादिक आपण भी एंकरिंग कला बेल ओडिया स्वाभिमान आपण भितर भी आसवा दरकार स्वाभिमान कहार अस्मिता कहार व्यक्तिगत विषय तो नुहे आपण भी ओडिया मुँह भी ओडिया आम समस्त दायित्व ओडिशा को आम वीर सुरेन्द्र साहर दायद आम बाजी राउत दायद आम बक्सी जगबंधुर दायद आम बड़ बड़ शक्ति आगे मुंड नई ना ये असाधु लोक मैंने तीन चारज मिसिकी इंग्रज मैंने यही करुले शासन व्यवस्था आम हाथ में अच्छी तेणु आम मेरीरा शासन चलेबू ए प्रकार दुस्साहस कर आज दुस्साहस चरम स्थित को पहुँची देशर लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी को भी एम छाड़ू ना ओडिया लोक मैंने यार पाने देबे पाने जवाब देबे सर लेनिन मांदी आज कहले सर 10 वर्ष आप मंत्री रहला परे ओडिशा को कौन सी प्रकार सीएसआर फंड देना कि ओडिशा रे युवक युवती मानक आप विभाग रे चाकरी मध्ये मिली ना मुहा निश्चित मुहा मतलब किसी ओडिया स्वार्थ पाई धर्मेन्द्र प्रधान कहवा को कही भड़ाटिया मैंने बंद करें गुमास्ता कथार जी भड़ाटिया मैंने भावुवे बेग हर मोर अत्यंत आत्मीय लेलीन जदि भावुव जो धर्मेन्द्र प्रधान भुरुड़ी डरीज मुझ डर लोक नुहे मुठिकार आंचलिक लोक यार पा पवर मटी बढ़ी लोक बाकी रहा धर्मेन्द्र प्रधान ओडापी कौन कर लेलीन रि लेलीन को नवीन नवास भितर जावाप अनुमति अच्छी ना नहीं मत जाना ना जदि से जापार जदि नवीन बाबू को भेटी पार नवीन बाबू को उठे प्रश्न मैं सब गणमाध्यम शुणुली मु भावी उत्तर देवी ना नहीं मोर काम काम किछि न करिकी डाहा मिछ कहिबार जदि काहाडू शिखिबार अछि ताले नवीन मामगुडू शिखिबार अछि। दुईटी प्रश्न मु पचारु जे पिठा योजना कुआडे गला
ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିଚା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁହାଳିଆ, ତାଙ୍କ କୁହାଳିଆ ପଣଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗତଥର ପିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଯୁବ ବାହିନୀ କରୁଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? କହିବା ଲୋକ କିଏ? ଏଇଠି ବରପାଲିରେ କହିଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଧାନରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କ କୁହାଳିଆ ପଣଟା? ମିଛ କହିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କହିବା, ଯଦି ସାହିତ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନଥିବ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ମୁଁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଲେଲିନ୍କୁ, ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ଲେଲିନ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବାର ଅନୁମତି ଅଛି ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ତା'ର ସାହସ ଅଛି, ଯେ ପଚାରୁ। ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 2002-03 ବେଳେ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲି, ନବୀନ ବାବୁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ, ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱକୁ ଯେଉଁଟା ମିଳୁନଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ କାରଣ ମିଳୁନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିକି ଦେଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁମାସ୍ତାମାନଙ୍କୁ କୁହାଳିଆ ଲାଗିବ, ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗରେ ଥିଲାବେଳେ 55 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ମାଆମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାରେ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଳିଆ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଏତେ ତ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିନି ନା। ବିବେକ ବିକିଥିବା, ଇମାନ ବିକିଥିବା ନିର୍ବଳୁଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନେତା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଚାକିରିଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।